नमस्कार जैन, कैसे आप लोग गाइस? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो स्वागत है फिर से एक बार क्रिकेट एनालिसिस पिया के यूट्यूब चैनल में। और मैं आपको बताने वाली इस वीडियो में इस मैच का सब अपडेट्स एनालिसिस टॉस प्रोडक्शन की प्लेयर सबके बारे में। दोस्तों, इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। गाइस, वीडियो शुरू होने से पहले आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करिए और हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए। बात करते हैं एलिमिनेशन विलिंगटन वर्सेस कैंटरबरी के मैच के बारे में। तो न्यूजीलैंड का प्रीमियर लीग सुपर स्मैश के 30 लीग स्टेज के बाद टॉप 3 टीम ने प्ले ऑफ में क्वालिफाई किया है और ऑकलैंड टॉप पर थी तो वो सीधे फाइनल में चल गई है और वह एलिमिनेशन मैच में कैंटरबरी वर्सेस विलिंगटन के बीच मुकाबला होगा और यहाँ जो टीम जीतेगा वो फाइनल में ऑकलैंड से खेलेगी। तो आज हम बात करते हैं टूर्नामेंट के वाले और एलिमिनेशन मैच की जो विलिंगटन वर्सेज कैंटरबरी के बीच खेला जाएगा। यह मैच 25 जनवरी को सेडन पार्क में खेला जाएगा। इस वक्त दोनों ही टीम स्ट्रांग नज़र आ रही है तो पूरा वीडियो देखिए, हम आपको बताएंगे इस मैच का कंप्लीट एनालिसिस। दोस्तों, वेदर रिपोर्ट की ओर चलते हैं तो मैच के दिन सनी वेदर रहेगा और टेम्परेचर 16.5 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा और ह्यूमिडिटी 78% रहेगा। विनिंग परसेंटेज की ओर देखेगा इस तो फर्स्ट बैटिंग का विनिंग परसेंटेज है 50% और फर्स्ट बॉलिंग का विनिंग परसेंटेज है 50%, तो दोनों का सेम है। पिच रिपोर्ट की बात किया जाए तो एवरेज स्कोर की ओर देखें तो फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 180 है और सेकेंड इनिंग का एवरेज स्कोर 145 है। बात करें हेड टू हेड दोनों मैच के लास्ट 5 मैचों में तो विलिंगटन का हुआ है 2 और कैंटरबरी का हुआ है 3। विलिंगटन टीम शॉट एनालिसिस की बात करें तो टीम ने अब तक 10 मैच खेले जिसमें 5 में उसे जीत मिली और 4 में हार मिले हैं और एक मैच कैंसिल हो गया था और 22 पॉइंट के साथ टेबल में नंबर 3 पर है और लास्ट 3 मैच में टीम को हार गई थी। और टीम के कैप्टन निक कैली हैं जो एक बैटर है। टीम के टॉप बैटर टीम रॉबिन्सन है जिन्होंने 7 मैच में 298 रन बनाए और ओपनिंग में गरथ सेवरिन एंड कैली की जोड़ी है। मिडिल ऑर्डर में ब्रिस वेल टीम को स्टेबल करते हैं और ट्राई जॉनसन आउट ऑफ फॉर्म में है। बॉलिंग में टीम ने लास्ट अच्छा परफॉर्म किया था और सभी बॉलर्स विकेट ले रहे हैं और सबसे बेस्ट बॉलर पैटर लोहाना है 1 वीक है जिन्होंने अब तक 14 विकेट लिए हैं और पैटर यंग हस्बैंड भी 13 विकेट लेकर फॉर्म में है और अर्डन मिलेन टीम के अवेलेबल हैं और बेन सियर्स इस मैच में लीडिंग विकेट टेकर हो सकते हैं। अब बात करते हैं टीम प्लेइंग 11 की तो गैरेथ सेवरिन और ब्रिस वेल, निक कैली, ट्रॉय जॉनसन, मोहम्मद अब्बास, कॉलम, नथन स्मिथ और लगन 1 वीक, एडम मिलेन, पैटर यंग हस्बैंड, बेन सियर्स। बात करते हैं की प्लेयर्स की तो टीम रॉबिन्सन जो कि बैटर है उन्होंने लास्ट 6 मैचों में 298 रन बनाए, इनका एवरेज स्कोर 59 है। और निक कैली की बात करें जो कि लास्ट 9 मैचों में 212 रन बनाए, इनका एवरेज स्कोर 30 है। पैटर यंग हस्बैंड की बात करें जो कि बॉलर है उन्होंने लास्ट 9 मैचों में 13 विकेट लिए हैं, इनका इकोनॉमी 6.9 है। अब दोस्तों बात करते हैं कैंटरबरी टीम शॉट एनालिसिस की तो टीम ने 10 मैच खेला है जिसमें 5 जीते हैं और 3 में उसे हार मिली है और 2 मैच कैंसिल हो गया था। टीम पॉइंट टेबल में 24 पॉइंट के साथ नंबर 2 पे है और टीम ने लास्ट मैच में विलिंगटन को ही हराकर प्लेऑफ में क्वालिफाई किया था। और टीम की बैटिंग स्ट्रांग है, टीम के कैप्टन मैकोंची हैं जो एक ऑलराउंडर है। ओपनिंग में चैड बर्ब्स हैं और हेनरी निकोलस लगातार रन बना रहे हैं और वही टीम के लीडिंग रन स्कोरर हैं, उनका साथ दे रहे हैं टॉम लथम। दोनों ने मिलकर लास्ट गेम में बिग पार्टनरशिप किया था और मैथ्यू हैं कि टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं और टीम के स्टार प्लेयर हैं बेवन जैकॉब्स हैं, ये टीम को जीत दिला सकते हैं। अब बॉलिंग में टीम ने कमबैक किया है, सभी बॉलर्स विकेट ले रहे हैं। लास्ट गेम में टीम ने टारगेट सेव किया था, एंगस निकोंजी फॉर्म में है और जैक फॉक्स सबसे इफेक्टिव प्लेयर हैं। लास्ट गेम में उन्होंने 2 विकेट लिए थे और फास्ट बॉलर विलियम और की टीम के लीडिंग विकेट टेकर हैं और बॉलर भी। और स्पिन डिपार्टमेंट में मिकोंची रिपोन है। और पहले बात करते हैं गाइस प्लेइंग 11 की तो बॉब्स लथम, हेनरी निकोलस, मिचेल रे, कॉल मिकोंची, मिचेल रिपोन और जैकरी फॉक्स, बेवन जैकॉब्स, एंगस निकोंजी, विलियम और की और मिचेल रे। बात करें की प्लेयर की तो टॉम लथम जो कि बैटर है उन्होंने लास्ट 5 मैचों में 185 रन बनाए, इनका एवरेज स्कोर 37 है। हेनरी निकोलस की बात करें जो कि ये भी बैटर है इन्होंने भी 8 मैचों में लास्ट 8 मैचों में 274 रन बनाए, इनका एवरेज स्कोर 45 है। विलियम और रॉकी की बात करें जो कि बॉलर है उन्होंने लास्ट 8 मैचों में 12 विकेट लिए थे, इनका इकोनॉमी 7.44 है। बात करें दोस्तों प्रेडिक्शन की तो दोनों टीम्स ने प्लेइंग 11 स्ट्रॉन्ग नजर आ रहे हैं और अगर टीम कंपटीशन किया जाए तो टीम यूनिट को देखते हुए मैच का विनर विलिंगटन हो सकता है और फाइनल में जा सकता है।
तो आशा करती हूँ गाइस आप लोगों को प्रेडिक्शन वीडियो अच्छा लगा हो। तो ऐसे ही क्रिकेट से जुड़ी नई खबरों को जानने के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ आपको मिलेंगे क्रिकेट से जुड़ी आए मैच एनालिसिस, मैच प्रेडिक्शन, टॉस रिपोर्ट और सब न्यूज़।